सबसे पहले तो आपने एक इमेज ओपन कर लेनी है, और इमेज जो है इसका साइज जो है तकरीबन, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे इमेज इसका जो है विथ इसकी 2000 और हाइट इसकी 1500 जो है होना लाजमी है। इसके अलावा रेजोल्यूशन इसकी 72 होनी हो, और ऑटोमेटिक पे आप रखें रीसैंपल। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या सेटिंग मैंने रखी हुई है, आपने इस सेटिंग की इमेज जो है यहाँ पे रखनी है। देन इसके बाद आया था आप इसको ओके कर दें, इमेज हमारी जो है वो ओके हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है हमारा, देन इसके बाद आपने यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी लेयर के ऊपर आना है। इसके ऊपर लेयर के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली कंट्रोल जे का बटन जो है प्रेस करना है। तो ये देखें डुप्लीकेट लेयर एक तैयार होगी, इस डुप्लीकेट लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इमेजेस पे आना है। इमेज पे आने के बाद एडजस्टमेंट पे आना है, एडजस्टमेंट पे आने के बाद शेडोज एंड हाईलाइट्स, ये आपको नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले शेडोज आता है, शेडोज का अमाउंट जो है आपने तस्वीर के हवाले से, ये देखें ये अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये मेरा जो जो फेस के अलावा जो पीछे का जो हिस्सा है वो देखें ब्राइट होता जा रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे देखें बिल्कुल माइनस कर देता हूँ लो, तो ये बिल्कुल डार्क हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से जो इसकी एडजस्टमेंट कीजिएगा अपनी पिक्चर की, अगर वो ज़्यादा डार्क है तो उसको थोड़ा सा 20 पे 21 पे ले आइएगा, अगर वो कम डार्क है तो आप इसको 5 या 6 पे ही रहने दें, ठीक है। और नीचे वाला जो हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स का अमाउंट जो है आपने देखें यहाँ पे, मैं अगर इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आप ये फेस के ऊपर थोड़ा नजर रखें, फेस के वो देखें कलर डार्क होता जा रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल 100 पे ले आता हूँ तो डार्क हो गया, तो मैं इसको इस केस में जो है यहाँ पे 0 पे कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये फेस जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और शेडो जो है 5 पे मैंने रखा है, क्योंकि मेरे केस में, आप अपने केस में कुछ और रखेंगे अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। देन इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि दोबारा जो है इमेजेस पे आना है, एडजस्टमेंट पे आना है, और इसके बाद यहाँ पे लेवल्स लिखा हुआ है, लेवल्स पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी हमने लेवल जो है वो सेटिंग करनी है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से अपनी इमेज के हिसाब से मैं इसको सेट कर दूंगा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये मैंने सेटिंग कर दी, इसके बाद आपने इसको क्या करना है ओके कर देना। अब मैं ओके करके बाहर आऊंगा तो ये थोड़ी सी सेटिंग मेरी जो है इसमें अपडेट होगी। देन इसके बाद आपने यहाँ पे लेयर 1 पे दोबारा आना है, इसको थोड़ा सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बनानी है। अब डुप्लीकेट लेयर एक और बन गई मेरी लेयर 1 कॉपी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊंगा फिल्टर के ऊपर, फिल्टर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में देखें अदर है, अदर पे आने के बाद यहाँ पे हाई पास लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, हाई पास पे क्लिक कर दूंगा। अब हाई पास पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें रेडियस इसका दिखा रहा है, इसको आपने 2.0 पिक्सल पे ही रहने देना। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। अब ओके करूंगा तो जो आपकी इमेज है उसका इंटरफेस कुछ आपसे इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये अपने डैशबोर्ड में आके यहाँ पे अपने ओवरले लिखा होगा, ये ओवरले पे आपने क्लिक कर देना। ओवरले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें थोड़ी बहुत इसने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली पिक्चर की। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि लेयर 1 पे दोबारा क्लिक करना है, और लेयर 1 पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्लस जे का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद आपने फिर जो डुप्लीकेट आपकी लेयर जो क्रिएट हुई है इसको इसके ऊपर सेलेक्ट करके फिल्टर पे आना है आपने, फिल्टर पे आने के बाद आपने यहाँ पे अदर पे आना है, अदर पे आने के बाद आपने हाई पास पे क्लिक कर देना है। हाई पास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ गई, यहाँ पे देखें रेडियस इसका आ रहा है, रेडियस 2.0 पिक्सल्स, ये आपने इसको इसी पे रहने देना है और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये आपकी लेयर्स के ऊपर ये नॉर्मल का साइन आ रहा होगा, ये इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ओवरले लिखा होगा आपने ओवरले पे क्लिक कर देना सिंपली। अब देन यहाँ पे आपने ये सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो नई लेयर डुप्लीकेट आपने बनाई है और लेयर 1 इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल का बटन दबा के आपने पहले एक को सेलेक्ट करना है फिर दूसरी को सिलेक्ट करना है। ये देखें मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, और इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद मर्ज लेयर कर देना, मर्ज लेयर्स के जैसे ही करेंगे वो दोनों लेयर्स जो है मर्ज होगी। अब इसके बाद आपने दोबारा जो है लेयर 1 कॉपी को जो है सिलेक्ट पे रखना है, और उसके बाद आपने फिल्टर पे आ जाना है, फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे आपको नजर आओगे शार्पन, आपने शार्पन पे आना, और उसके बाद आगे जैसे ऑप्शन आपके पास आएंगे आपने अनशार्प मास्क पे क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, साथ साथ आपने यहाँ पे इमेज अमाउंट जो है ना ये 100 पे आ रहा है आपके सामने पहला ऑप्शन, इसको आपने 150 पे कर देना। अब देखें जैसे मैंने 150 पे किया आपके सामने रिजल्ट जो है चेंज होता जा रहा है प्रीव्यूज का। उसके बाद यहाँ पे रेडियस है, रेडियस आपने एज यूजल जो है आपने रेडियस 2.0 पे ही रहने देना, और थ्रेशोल्ड जो है वो 0 पे ही रहे।
ये करने के बाद आपने इसको ओके कर देना। तो अब ये हमारी जो इमेज है वो काफी हद तक तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको जो है ऑयल पेंट का एक इफेक्ट देना है, और वो किस तरीके से होगा यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसी पे लेयर वन कॉपी पे जो है वो रहने देना सिलेक्ट, और उसके बाद आपने फिल्टर पे आना। फिल्टर पे आने के बाद आपने यहाँ पे देखें स्टाइलाइज पे आना है। स्टाइलाइज पे आने के बाद डिफ्यूज, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने डिफ्यूज पे क्लिक करना है। डिफ्यूज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोड दिखा रहा है, ये मोड देखें, पहला नॉर्मल है, दूसरा डार्कन ओनली, तीसरा लाइटन ओनली, और तीसरा है एनेस्ट्रोपिक। एनेस्ट्रोपिक पे आपने सिलेक्ट करके ये लगा हुआ है ऑलरेडी, और इस पे लगा रहने देना और आपने इसको ओके कर देना। अब इस फिल्टर को करने के बाद जो है आपने इसको डिफ्यूज जो है इसको चार से पांच दफा करना है, क्योंकि जब चार से पांच दफा आप इसको करेंगे तो ये आप देखें यहाँ पे इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा हल्का हल्का, ये चेंज होने शुरू हुई है। और इसको हम चार से पांच मरतबा करेंगे, लेकिन हर दफा चेंज करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए हमें इस पिक्चर को रोटेट करना पड़ेगा। कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हमने डिफ्यूज कर दिया इसको, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इमेज पे आएंगे। इमेज पे आने के बाद इमेज रोटेशन पे आएंगे, और 90 डिग्री क्लॉक वाइज पे इस पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे ही देखें ये रोटेट हुई, और फिर दोबारा मैं इस पे फिल्टर पे आऊंगा। मैं यहाँ पे इस लेयर को पहली वाली को सिलेक्ट करूंगा, फिल्टर पे आऊंगा, और फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे अदर पे आऊंगा, सॉरी स्टाइलाइज पे आऊंगा और डिफ्यूज पे आऊंगा। डिफ्यूज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आके इसको ओके कर दूंगा। अब ये एक दूसरी दफा दोबारा इस पे अप्लाई हो गया। अब फिर क्या करना है, मैंने इसको फिर इमेज पे आऊंगा, फिर एक दफा इसको जो है इमेज को रोटेट करूंगा और 90 डिग्री क्लॉक वाइज पे फिर घुमाऊंगा इसको। अब ये दोबारा इमेज घूमने के बाद फिर इसको मैं यहाँ पे लेयर वन कॉपी को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पे आऊंगा, फिल्टर पे आने के बाद स्टाइलाइज पे आऊंगा, फिर डिफ्यूज पे आऊंगा, और फिर इसको जो है यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब ये देखें तस्वीर पिक्चर जो है आपकी इमेज में चेंजिंग आती जा रही है, आपने अगर नोट किया हो तो। दोबारा जो है मैं इसको एक दफा फिर इमेज पे आऊंगा, फिर यहाँ से इसको मैं घुमाऊंगा रोटेट पे और 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे फिर क्लिक करूंगा, और ये दोबारा रोटेट हुई तो फिर मैं यहाँ पे लेयर वन कॉपी को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद फिल्टर पे आऊंगा, और फिर यहाँ पे आगे स्टाइलाइज और फिर डिफ्यूज को क्लिक करूंगा, और उसके बाद ये ओके का बटन दबा दिया। अब ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है, साथ साथ ये जो है चेंजिंग करती जा रही है, तस्वीर चेंज होती जा रही है। अब जैसे फिर दोबारा ये है मैं इस पे ऊपर इमेज पे आऊंगा लास्ट टाइम, और यहाँ पे इमेज रोटेशन पे आऊंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे उसको घुमाऊंगा। ये जैसे मैंने क्लिक किया घूमी, और इसके बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट करके लेयर वन को और फिल्टर पे आगे, फिल्टर पे आने के बाद स्टाइलाइज, और उसके बाद डिफ्यूज पे क्लिक करूंगा, और ये लास्ट टाइम देखे मैंने ओके किया। अब ये दोबारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, और अब ये देखें इमेज को अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो आपको खुद जो है डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये देखें काफी हद तक चेंज होगी। ठीक है, अब हमने इसको क्लियरेंस करनी है, थोड़ी सी क्लियर करनी है पिक्चर को। अब हमने इस इमेज को जो है थोड़ा सा क्लियर करना है, और कैसे करना है, यहाँ पे फिर दोबारा हम एक फिल्टर लगाएंगे, और दोबारा फिल्टर में आएंगे, यहाँ पे आगे नॉइस जो है वो रिमूव करनी है, तो रिड्यूस नॉइस पे क्लिक कर दें सिंपली। और ये देखें यहाँ पे स्ट्रेंथ 10 पे है, तो उसको आपने 10 पे ही रहने देना, और बाकी जितने भी वैल्यूज हैं इनको जीरो कर देना। ये प्रिजर्व डिटेल्स हैं इसको जीरो कर दें, रिड्यूस कलर नॉइस इसको जीरो कर दें, और शार्पन डिटेल्स जीरो कर दें। ये पहले मैं एक दफा कर चुका था, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यही आ रहा है। तो इसको करने के बाद आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें आपको थोड़ा और क्लियरेंस नजर आएगी पिक्चर, ये देखें तो काफी फर्क पड़ गया। इसके बाद हम जो है इसको थोड़ा शार्पन डिटेल इसको देंगे, तो यहाँ पर दोबारा आप जो है वो फिल्टर पे आएंगे। फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे शार्पन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखें अनशार्प मास्क सबसे लास्ट में होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, मैंने इसको लास्ट टाइम जो है ये 150 पे किया था, और वो दूसरी लेयर थी, और इसको अब मैं इसको 100 पे कर देता हूँ। अगर इस तरह ना हो तो आप इसको टाइप कर सकते हैं, 100 पे कर दिया। बाकी रेडियस जो है इसका 2.0 पे ही रहने दें, और थ्रेशोल्ड 0 है, तो ठीक है। आपने ये देखें यहाँ पे इसकी ये क्लियरेंस भी आएगी। यहाँ पे अगर मैं अमाउंट को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखें आप फर्क आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको 100 पे करूंगा तो यहाँ पे आप देखें, तो ये थोड़ा सा इसकी जैसे से ये मैं सेटिंग करता जाऊंगा क्लियर होती जाएगी मजीद पिक्चर। शार्पन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे जो है ये जो लेयर आपने बनाई इसको डबल क्लिक में यहाँ पे करूंगा, और इसकी जो है वो इसका नाम चेंज करूंगा मैं, इसको ऑयल पेंट कर दूंगा, ये इसका नाम रख दिया। अब इसके बाद दोबारा मैं इस लेयर की एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जे का बटन प्रेस करूंगा, और इसके ऊपर सिलेक्ट करके इस लेयर को फिल्टर में आऊंगा। दोबारा फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे हाई पास पे आऊंगा, अदर्स पे आके हाई पास पे जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखे दोबारा रेडियस इसका 2.0 पे रहने देना है, उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा।
अब ओके करने के बाद यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे ऑप्शंस में आया और नॉर्मलाइज पे क्लिक किया और यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा लेयर को और यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा डिटेल्स। अब जैसे जैसे देखें मैं एडिटिंग कर ये सेटिंग करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर चेंजिंग आती जा रही। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, एक ये जो तीनों लेयर्स हैं हमने इन तीनों लेयर्स को जो है मर्ज करना है, लेकिन मर्ज करने के लिए जरूरी है कि ये तीनों लेयर्स अपनी जगह पे रहें। तो इसके लिए हम सबसे ऊपर वाली जो टॉप की जो लेयर है इसके ऊपर उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद आप मैं दबाऊंगा देखें क्लिक कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस शिफ्ट और प्लस ई, जैसे ही दबाऊंगा तो ये इन तीनों का लेयर्स का जो मर्ज मजमुआ है वो ये लेयर आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा इसका नाम दे दूंगा टोन टोन दे दूंगा और इसको मैं क्लिक किया, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पे इमेजेस पे आऊंगा, इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे ऑटो टोन पे देखें ये नजर आ रहा आपको इमेजेस के अंदर ऑटो टोन है तीसरे नंबर पे, मैं इसको क्लिक करूंगा और ये इसकी अपनी टोनिंग जो है वो होगी ऑटोमेटिक। अब इसकी जो है ये यहाँ से टोन की सेटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने ओपेसिटी जो है इसको जो है 100 तो 50 पे करता हूँ, 50 पे करूंगा तो देखें मजीद इसके अंदर और ज्यादा खूबसूरती आती जा रही है। देखें इसको मैं कर देता हूँ 30 पे मेरी इमेज के हिसाब से, आप अपनी इमेज के ऊपर हिसाब से जो है कुछ और रखेंगे ठीक है। अब ये हमारी जो इमेज है वो क्लियर होगी और रेडी होगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा मजीद इसके अंदर एक लुक देने के लिए जो है कलर की लेयर हम ऐड करेंगे। और कलर का इफेक्ट कैसे डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखें नीचे आपको टूल बार में ये न्यू लेयर का आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर, इसको हम ऐड करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये एक न्यू लेयर आ गई, इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके नाम दे दूंगा इसको कलर का। अच्छा इसका नाम देने के बाद यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रश टूल है ये देखें ब्रश टूल को जो है मैं क्लिक करूंगा और इसका साइज जो है आपने ये देखें बड़ा कर देना 32.28 3228 पे करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कलर्स पे आ जाना है और कलर टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर आपने देना है पर्पल। यहाँ पे मैं इसका कोड दे देता हूँ, आप ये कोड जो है वो कॉपी करेंगे तो सेम आपके पास एग्जैक्ट यही कलर आ जाएगा CD32EE। मैं ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पे देखें मैं इसका सर्कल जो है इस तरह एडजस्ट करूंगा कि मेरा जो ये डॉट है जो इस सर्कल का जो सेंटर है वो मेरे यहाँ पे लाइन के ऊपर आएगा साइड की और ये इमेज किस तरफ। अब ये यहाँ पे इसको मैं ये रखा और ये क्लिक करूंगा, अब ये देखें एक साइड ये आ गई पर्पल। अब मैं दोबारा यहाँ पे कलर में आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे कलर में चेंज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा और ये कलर अब आ गया और इसको मैंने सेंटर में रखा और ये क्लिक कर दिया। अब ये देखें आपके सामने इमेज की जो है वो चेंजिंग आ गई आपके सामने। अब यहाँ पे ये कलर जो है वो एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इस पे आना ऑप्शन पे और यहाँ पे आगे ओवरले पे क्लिक करना है। अब ये देखें लुक आपको कुछ चेंज नजर आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा ये बहुत डार्क आ रहे हैं कलर, तो हमने इसको और थोड़ा ओपेसिटी जो है इसकी कम करनी, मैं इसकी 50 पे ले आऊंगा। अब जैसे जैसे मैं कम करूंगा देखें थोड़ा सा आपको और नुमाया नजर आ रही होगी, ये पिक्चर इमेज जो है क्लियर होती जा रही है। और अगर मैं इसको 0 पे करके देखता हूँ तो ये बिल्कुल वही पोजीशन पे आ गई जो पहले थी, लेकिन हम इसको 50 पे रखूंगा, यहाँ पे मैं इसको 50 पे करता हूँ, 50 पे बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे ये करने के बाद ये देखें आपके सामने इमेज है, अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊं तो आप ये देखें पहले जो पिक्चर थी वो ये थी और अब हम इसके अंदर ये देखें अब जो इस वक्त ये पोजीशन क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, ये देखें करीब करूंगा तो आपको फिर ये इफेक्ट नजर आएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, ये आपकी जो है इमेज अभी रेडी होगी, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल जाएगी। तो इसी के साथ जाते जाता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।